देखो बेटा, ऐसा है, हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के वीडियो अब डाले जाएंगे एक एक करके धीरे धीरे। आप लोग ये समझ लो कि सीबीएसई में जो सेकंड टर्म का पेपर है उसमें सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन एसिड और एमाइन ऑर्गेनिक में आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको ये सारे वीडियो एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे के सारे रिलेटेड हैं। जब तक आपको हेलोल के नहीं आएगा तब तक एल्कोहल में प्रॉब्लम आएगी। मतलब वो एक हेलोलकेन ऐसा चैप्टर है ना, जो कहने के लिए हेलोलकेन है वो। उसमें एल्डिहाइड के, कीटोन के, एसिड के, एमाइड के, नाइट्राइल के, सबके क्वेश्चन भरे पड़े हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं हेलोलकेन से ही। देखो, हेलोलकेन का क्वेश्चन है ये 10.19, जिसमें कन्वर्जेंस है। पहला आपका है, फर्स्ट है आपका कन्वर्जन जो है, फर्स्ट है प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। देखो इधर, ये प्रोपीन CH3 CH2, सी एच टू, ये हो गया प्रोपीन। समय बनाना प्रोपेन वन ऑल, CH3 CH2 CH2 प्रोपेन वन ऑल। देखो कन्वर्जन में क्या करना है बेटे आपको, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में देखो क्या रिलेशन है। हमें इस कार्बन पर OH लेकर क्या आना है, तो OH लाने के लिए, प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है। एक तो हम बना सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरा बना सकते हो आप, दूसरा मेथड आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहले हम इस पर अप्लाई करेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, यहाँ लिखा गया HBr, और ये इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड, फिच अप लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो इस टाइप से CH3 CH2 CH2, ये बन गया आपका Br। क्लियर है? ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम यूज कर देंगे एक्वस KOH। आपको पता है, बताया गया था क्लास में, कई बार बताया गया है कि एक्वस KOH परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, एक्वस KOH परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, दिस इज एक्वस KOH। तो एक्वस KOH क्या करेगा बेटे, जहाँ पर Br है वहाँ पर OH ला देगा। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पे आ जाइए, सेकेंड जो आपका देखिए सेकेंड है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। इथेनॉल हो गया आपका, देखो दिस इज CH3 CH2 OH, ये आपका इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल हो गया, अल्कोहल है ये। हमें बनाना ब्यूट वन आइन, देखो यहाँ पर ब्यूट वन आइन है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड सी एच, जिसे ब्यूट वन आइन, ये क्या है, ब्यूट वन आइन है ये। क्लियर है बेटे, ब्यूट वन आइन ध्यान दो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ब्यूट वन आइन है। हमें देखो, आपको बताया गया था मैंने टिप्स ऑफ कन्वर्जन में कि टू इंक्रीज टू कार्बन यूज सोडियम इथाइनाइड एलॉन्ग विद एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, एल्काइल हैलाइड में। उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, बट SOCl2 इज बेस्ट मेथड, बिकॉज SOCl2 के अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, HCl और SO2, विच इज गैसेज बाय प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो इस टाइप से CH3 CH2 यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 Cl बन जाएगा, यहाँ पर हेलोलकेन बन जाएगा ये, देखो ये बन गया Cl। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे सोडियम इथाइनाइड, देखो ये सोडियम इथाइनाइड यूज कर दो यहाँ पर, HC ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज सोडियम इथाइनाइड। तो दो कन्वर्जन हो गया आपका। अब आइए थर्ड पर आते हैं। देखो थर्ड में हमें क्या करना बेटे, थर्ड जो है हमें बनाना है वन ब्रोमो प्रोपेन। स्ट्रक्चर ड्रा करो क्लियरली, CH3 CH2 CH2, दिस इज वन ब्रोमो प्रोपेन। हमें फिर किसमें, इसको किसमें चेंज करना है, टू ब्रोमो प्रोपेन में। देखो दिस इज टू ब्रोमो प्रोपेन, ध्यान दो बेटे, दिस इज टू ब्रोमो प्रोपेन। भाई कभी भी बार बार बोला जा रहा है कि देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला लॉजिक क्या लगाओगे आप, कि यहां से Br हटाना है, यहां से Br हटाना है। तो Br हटाने के लिए हम परफॉर्म करेंगे यहां पर डीहाइड्रोहैलोजनेशन, विच कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, विच परफॉर्म इलिमिनेशन। जिस कार्बन पर Br है उसके एडजेसेंट कार्बन के H के साथ HBr निकल जाएगा, जो क्या बन जाएगा यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका क्या, CH2। क्लियर है? ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया ये, देखो ये। अब फिर हमें Br लेके आना है, फिर हमें Br लेके आना है, तो उसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, हम यूज कर देंगे HBr, जो कि बाय यूजिंग मार्कोनिक ऑफ रूल आपका बन जाएगा ये।
क्लियर है। देखो नेक्स्ट बेटे फोर्थ है टॉलवीन टू बेंजाइल अल्कोहल। स्ट्रक्चर देखिए, ये टॉलवीन है। आपको कैसे, देखो सबसे पहले जहां आपने स्ट्रक्चर गलत कर दिया तो वहां आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पहला स्टेप का गलत हो गया। ये बन गया आपका टॉलवीन एंड दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान दो, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, CH2 है, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल है, ये क्लियर है। हमें क्या करना है, इसको देखो इसमें चेंज करना। लॉजिक क्या लगाओगे भाई, इसका अपन पर OH लेकर के आना है। हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन नहीं कि हम डायरेक्टली H को OH से रिप्लेस कर दें। यहाँ पर तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेके आएंगे Cl। Cl कहाँ पर लेके आने जा रहे हैं हम, यहाँ पे हम Cl अटैच करने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर। उसके लिए हम यूज करेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इफेक्ट sp3 कार्बन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, देखो ये बन जाएगा CH2Cl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड बन गया और फिर इसके बाद आप यूज कर दोगे यहाँ पर एक्वस KOH विच परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर ये बन गया एक्वस KOH, आप यूज कर दोगे एक्वस KOH, तो हमारा बन गया टॉलवीन से बेंजाइल एल्कोहल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आप आइए फिफ्थ पर। फिफ्थ जो आपका फिफ्थ देखिए, फिफ्थ बेंजीन टू स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। पहले फिफ्थ क्वेश्चन का क्या है, बेंजीन टू 4-ब्रोमो-नाइट्रोबेंजीन। देखो ये बेंजीन है बेटे, बेंजीन है, हमें बनाना है 4-ब्रोमो-नाइट्रोबेंजीन। दिस इज 4-ब्रोमो-नाइट्रोबेंजीन, 4-ब्रोमो-नाइट्रोबेंजीन, क्लियर है कि नहीं, 4-ब्रोमो-नाइट्रोबेंजीन। देखो यहाँ पर आपको बताया गया था कि जब बेंजीन, हमें अगर कंपेयर करेंगे यहाँ से बेंजीन टू 4-ब्रोमो-नाइट्रोबेंजीन, हमें दो फंक्शन ग्रुप अटैच करने हैं, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूशन करना है, एक NO2 और एक BR। देखो अगर हम पहले NO2 कर देते हैं बाई चांस, अगर हम पहले क्या करेंगे NO2, तो BR मेटा पर आएगा, बिकॉज NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ड्यू टू माइनस R इफेक्ट, क्लियर है। तो हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे यहाँ पर ब्रोमिनेशन, जो कैसे होता है भाई, Br2 और लुईस एसिड FeBr3। ये बन गया क्या बेटे आपका ब्रोमिनेशन, ये बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। और फिर परफॉर्म करवा दोगे नाइट्रेशन कराओगे यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये। देखो अगर किसी बच्चे के माइंड में आ रहा है कि सर हम पहले करवा दें नाइट्रेशन, तो देखो ध्यान दो, हम अगर पहले नाइट्रेशन कराएंगे बाय चांस, हम अगर मान लो हमने करा दिया पहले क्या नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 और CONC-H2SO4 हमने मान लो पहले करवा दिया नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप तो आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आपका आ जाएगा, लेकिन नाइट्रो ग्रुप क्या आपका, नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। तब जैसे परफॉर्म कराओगे यहाँ पर ब्रोमिनेशन Br2 और ये FeBr3, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, ब्रोमो को मेटा पर भेज देगा यहाँ पर इस टाइप से, बन जाएगा क्या आपका 3-ब्रोमो-नाइट्रोबेंजीन, वो मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या परफॉर्म कराएंगे, ब्रोमिनेशन देन नाइट्रेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सिक्स पार्ट देखिए। सिक्स पार्ट में जो है हमें क्या बनाना है बेटे, हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक। बेटे सबसे पहले बार बार बोला जा रहा है, स्ट्रक्चर पर मास्टरी करिए पहले। जहां आपने एक बार स्ट्रक्चर गलत लिख दिया, आपका आंसर 100% फिर गलत होना है। देखो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल बनाया गया था आपको अभी इसी क्लास में, CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ये है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल है। हमें क्या बनाना है इसमें, फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखो ये बन गया, दिस इज 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखो ये हमारा क्या है, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। ध्यान दो बेटे, हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमें क्या डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें एक कार्बन है, उसमें दो कार्बन है, तो हमें एक कार्बन पहले बढ़ाना है। टू इंक्रीज वन कार्बन यूज KCN, बट KCN शुड बी यूज अलॉन्ग विद अल्काइल हैलाइड। तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, अल्काइल हैलाइड में। उसके लिए क्या होता है, SOCl2 इज बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट हेलो अल्कोहल टू हेलो एल्केन। देखो बन जाएगा हमारा क्या, बन गया यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड से हम बना सकते हैं यहाँ पर क्या, देखो इस टाइप से देखिए, ये बन गया आपका
CH2CN बन जाएगा, ये देखो CH2CN ये बन गया आपका CH2CN। यहाँ क्या यूज किया गया, KCN। और फिर इसको फिर आप इसमें चेंज कर सकते हो, देखो ध्यान से भाई, ऐसा कि यहाँ पर दो कार्बन हो गए आपके पास, देखो इधर ही कितने कार्बन हो गए, यहाँ पर दो कार्बन हो गए। अब हमें इस CN को किस में चेंज कर देना है, CUH में, तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से CN किस में चेंज हो जाएगा, CUH में। तो आपका दो कार्बन हो गए, फिफ्थ एंड सिक्स। अब नेक्स्ट आइए सेवन पर, बड़े बार बार प्रैक्टिस करिए, एक बार अगर आप अपने कन्वर्जन पर मास्टरी कर ली, फिर आप समझ लो कि आपसे आगने के क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। उसके लिए स्ट्रक्चर ड्रा करो बार बार बढ़िया से। नेक्स्ट है बेटे हमारा सेवेंथ। देखो सेवेंथ क्या भाई, सेवेंथ पूछा गया है इथेनॉल। इथेनॉल ये है, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, CH3CH2OH इथेनॉल हो गया ये। हमें बनाना है क्या, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बन गया, CH3CH2CN, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन में लॉजिक क्या लगाओगे, एक कार्बन बढ़ाना है, फिर वही कहानी, टू इंक्रीज वन कार्बन यूज के CN, किसके साथ, हेलोलकेन के साथ। इसका मतलब क्या, हम इसको किस में चेंज करना है, हेलोलकेन में। उसके लिए क्या यूज करोगे, यहां पर देखो हमें बनाना है हेलोलकेन CH3CH2Cl। इसके बाद फिर आप डायरेक्टली यहां पर क्या डाल सकते हो, वी कैन यूज के CN। और यहाँ क्या यूज करोगे, बार बार बोला जा रहा है SOCl2 इज बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू हेलोलकेन। नेक्स्ट देखिए इसके बाद एट्थ पार्ट, देखो यहाँ पर एट्थ पार्ट आपका क्या है, एनिलीन। ध्यान दो ये एनिलीन क्या बेटे, दिस इज एनिलीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन ये है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। भाई ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें इस ग्रुप को किसी में भी चेंज करना है, NH2 को किसी ग्रुप में, हेलो में, नाइट्रो में, CN में, एसिड में, एल्कोहल, कहीं भी चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको डाई एजोनियम क्लोराइड तक जाना पड़ेगा। वही एक चौराहा है जहां से आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। देखो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम आ जाएंगे यहां पर इस टाइप से N2+Cl- बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, हम इससे फिर चेंज कर देंगे इसको इसमें। देखिए अब ये दो रिएक्शन का नाम हो गया, यहां हम क्या यूज करते हैं, यहां पर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं HNO2। दिस ध्यान दो, यहां भी लिख दे रहा हूं मैं, दिस HNO2 हम चाहे यूज करें HNO2 और चाहे यूज करें यहां पर क्या NaNO2HCl एंड 0 to 5 degree Celsius, हम इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाई एजोटाइजेशन। इसके बाद फिर आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो आप CuCl और HCl, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक है डाई एजोटाइजेशन और यहाँ से यहाँ तक क्या भी सैंडमेयर रिएक्शन, सिंपल ठीक है। ये आपका एट्थ हो गया। नाइन्थ पर आइए बेटे, 2-chlorobutane, देखो भाई वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बच्चे ढूंढते रहते हैं कि सर कहाँ किया जाइए, 2-chlorobutane, देखो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, दिस इज 2-chlorobutane। समय क्या बनाना है, 3-4-dimethylhexane, देखो ये हेक्जेन बन गया ये 1, 2, 3, 4, 5, 3-4-dimethylhexane, 3-4-dimethylhexane, देखो इधर ये 3-4-dimethylhexane यहाँ पर बन गया 3-4-dimethylhexane, हमें कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए भाई, ऐसा है कि आपको लिखाया गया है कि टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन यूज ऊर्जा रिएक्शन, हम यूज करते हैं। यहाँ कितने कार्बन है, 4, वहाँ कितने कार्बन है, 8, ठीक है। मतलब देखो कहीं क्लीवेज आपका जो ज्वाइंट हुआ है कहीं यहाँ से हुआ है मेरे ख्याल से, यहाँ देखो इस हिसाब से लेके चलोगी तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे सोडियम एंड ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है भाई। एक शेल यहां रहा होगा, एक शेल यहां रहा होगा, दोनों आपस में जुड़ करके 2 ने से निकल गए होंगे। जिसको और रिएक्शन पता है वो बच्चा आराम से उसको समझ रहा होगा। ये हम उसमें क्या करते हैं, RX+2Na+RX, हमारा RX हो गया 2Na+RX, हमें डबल नंबर का क्या बनता है, एल्केन मिल जाता है। टेंथ देखिए बेटे, टेंथ क्या है, 2-methyl-1-propene, देखो दिस इज 2-methyl-1-propene, 2-methyl-1-propene, 2-methyl-1-propene है, 2-methyl-1-propene, 2-methyl-1-propene, देखो ये दिस इज 2-methyl-1-propene।
समय क्या बनाना है, 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन CH3C2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन। देखो हमें ये करना कन्वर्जन, कुछ नहीं बेटे सिंपल, आप अप्लाई कर दिए मार्कोनी का फ्यूल, यहाँ क्या लगा दोगी HCl। ध्यान दो मार्कोनी का जो होता है वो ऑलमोस्ट हर जगह लगेगा, लेकिन एंटी मार्कोनी का आप सिर्फ और सिर्फ HBr पे लगाओगे, वहाँ पर एनर्जी का कुछ कंसर्न है, रिएक्शन 3-4 स्टेप में होती है, एक हाईली एंडोथर्मिक होती है, हम उसको सिर्फ कहाँ अप्लाई करते हैं, सिर्फ HBr के केस में। तो आपका हो गया 10th हो गया। देखो नेक्स्ट इसके बाद 11th पे आइए, 11th क्या बेटे, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, फिर वही कहानी, इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, हमें क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड, क्या होता है प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है। लॉजिक क्या है, एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, KCN यूज करना है, KCN के लिए हमें क्या चाहिए, Cl, के हमारे पास Cl है ही, हम डायरेक्टली क्या यूज कर देंगे यहाँ पर, देखो SM यूज कर देंगे यहाँ पर, KCN पोटेशियम साइनाइड, ये होता है क्या, देखो यहाँ पर ये KCl निकल जाता है, देखो ये KCl यहाँ से निकल गया, ये तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3CH2, हमारे पास CN आ गया, हम कर देंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर H3O+, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, CN चेंजेस टू COH। देखो नेक्स्ट बेटे 12th, देखो यहाँ पर 12th पार्ट हमारा ब्यूटवानीन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ब्यूटवानीन CH3CH2CH double bond ब्यूटवानीन टू 1-iodobutane या नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है, दिस इज 1-iodobutane CH3CH2CH2, देखो इधर ये दिस इज 1-iodobutane। हमें बेटे क्या करना, देखो हमने भी डिस्कस किया था, आपको बताया था कि एंटी मार्कोनी का अगर बाई चांस वहाँ पर 1-bromobutane होता तो हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, HBr और परऑक्साइड, लेकिन एंटी मार्कोनी का सिर्फ और सिर्फ HBr पर होता है, इसका मतलब क्या, हम पहले यहाँ Br लाएँ फिर उसको रिप्लेस कर दें, तो देखो यहाँ पर यूज करेंगे हम Br, देखो Br लेके आएंगे यहाँ पर इस टाइप से HBr, यहाँ यूज करोगे क्या HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, क्या बन जाएगा एंटी मार्कोनी का रूल CH3CH2CH2, देखो बन गया 1-bromobutane बन गया भाई। अब करना है क्या, कुछ नहीं करना यार, आई लेके आना पड़ेगा यहाँ पर, कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो यहां से यहां तक एंटी मार्कोनी का रूल है, यहां से यहां तक क्या आपका दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है बेटे। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब आइए 2-क्लोरो-प्रोपेन टू 1-प्रोपेनॉल, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है हमारा, 13th पार्ट है इसका, इवन 10.19 का 13th पार्ट, 2-क्लोरो-प्रोपेन, दिस इज 2-क्लोरो-प्रोपेन, क्या भाई 2-क्लोरो-प्रोपेन CH3CHCl और ये 2-क्लोरो-प्रोपेन, हमें क्या बनाना है 1-प्रोपेनॉल, ध्यान दो CH3CH2CH2OH, बट एक कुछ नहीं, देखो कार्बन में चेंज करना नहीं है, KCN की कहानी खत्म हो गई, हमें यहाँ से Cl हटाना है, हटाना है Cl, क्या करोगे भाई Cl हटाने के लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर एल्कोहलिक KOH विच परफॉर्म एलिमिनेशन, इस कार्बन का Cl और यहाँ का एक HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CH double bond, हमें वहाँ पर OH लाना, फिर वही कहानी, हमने पहला क्वेश्चन किया था कि प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल, वही कहानी फिर यूज कर लो वहाँ पर, क्या करोगे यहाँ पर HBr और फिर परऑक्साइड, क्या बन गया ये CH3CH2CH2Br, इसके बाद यहाँ से आप लोग मास्टर हो गए होगे मेरे ख्याल से, हम डायरेक्टली क्या यूज कर देंगे यहाँ पर, यहाँ यूज कर सकते हैं हम क्या एक्वस KOH विच परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, हो गया बेटे बन गया ये। अब नेक्स्ट आ जाइए 14th पार्ट है ये, 14th पार्ट आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आयोडोफॉर्म, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बार बार करो आयोडोफॉर्म टेस्ट, यहाँ पर पहले बात की व्हाट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, देखो ये CH3CH, देखो आइसोप्रोपाइल बन गया ये आइसोप्रोपाइल है,
आइसो मीन सेकेंड पे ब्रांचिंग, ठीक है, आइसो प्रोपाइल। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, दिस इज आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, और हमें बनाना क्या है, आयोडोफॉर्म। क्या होता है बेटा आयोडोफॉर्म, सी एच आई थ्री, आयोडोफॉर्म इज सी एच आई थ्री। देखो इस टाइप से सी एच आई थ्री आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक, बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू इटसेल्फ, बट इट इज ड्यू टू आयोडीन, आयोडीन की वजह से होता है, ठीक है। अब देखो अगर किसी कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर है, ध्यान दो बेटे, अगर किसी कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर है ऐसे, देखो जिस सी एच सी एच ओ एच के साथ अगर सी एच अटैच है, सी एच ओ एच के साथ अगर सी एच थ्री अटैच है यहाँ पर कुछ भी हो, तो वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ऑल दोज एल्कोहल विच हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अंडरगोज आयोडोफॉर्म टेस्ट, और उसमें करते हैं क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर एन ए ओ एच और आई टू एड करेंगे, वी गेट येलो कलर कंपाउंड आयोडोफॉर्म, वी गेट येलो कलर कंपाउंड आयोडोफॉर्म। क्या बन जाएगा आपका, दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये 14th हो गया। फिर आइए नेक्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए मेहनत करो, मेहनत करने पर ही मार्क्स मिलेगा, बिना मेहनत किए नहीं मिलेगा। क्लोरोबेंजीन है बेटे, क्लोरोबेंजीन है ये, हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से पैरानेट्रोफिनॉल, ये बन गया पैरानेट्रोफिनॉल। देखो ये पैरानेट्रोफिनॉल, पी नेट्रोफिनॉल, दिस इज पैरानेट्रोफिनॉल बन गया, हमें कन्वर्ट करना है। इसमें कैसे करोगे, पैरानेट्रोफिनॉल में इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, देखिए इसमें हम पहले कराएंगे इसका नाइट्रेशन, कि क्लोरोबेंजीन इज ऑलरेडी पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पहले भाई नाइट्रेशन करा दो किसका, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, Cl बन जाएगा ये। देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2, यहाँ क्या बन जाएगा, NO2। इसके बाद फिर आप यहाँ पर यूज करोगे NaOH और H प्लस अराउंड 400 केल्विन टेम्परेचर पर, अराउंड है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 400 केल्विन टेम्परेचर। अब किसी बच्चे के माइंड में अगर ये आए कि क्या हम सर पहले इसको OH में चेंज करके देन कैन वी यूज दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नो। अगर हम पहले यूज करेंगे इसको, अगर हम पहले मान हमने चेंज किया किसमें, एल्कोहल में, फिनॉल में, तो फिनॉल से बन जाएगा पिक्रिक एसिड, तो आप ये पाथ फॉलो करोगे, ठीक है। देखो 16 देखिए यहाँ पर, 16 में क्या भाई, अच्छा क्वेश्चन आप लोग किए होगे भाई, यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, देखो इधर दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, CH3CH Br 2 ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ क्या है 1 ब्रोमो प्रोपेन, CH3CH2CH2। बेटे देखो बिल्कुल सिंपल किसी चीज़ है, Br यहाँ से हटाना है, बार बार बोला जा रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है, Br यहाँ से हटाना है, क्या करोगे Br यहाँ से कैसे हटाओगे, हम करेंगे यहाँ पर Br कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ डाल देंगे यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या बन जाएगा भाई, CH3CH1। फिर Br हमें लेके आना है, लेकिन Br हमें उसी पर लेके आना है जहाँ पर ज़्यादा H हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर HBr एंड पराक्साइड, HBr एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ फूल। देखो पहले क्या हमने हटा, यहाँ से रिलीज किया क्या एल्कोहलिक KOH के साथ, 2 ब्रोमो प्रोपेन हमने किस में चेंज कर लिया, प्रोपीन में, और प्रोपीन से हमने बनाया फिर क्या आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन बाय यूजिंग एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, क्लियर है। नहीं देखिए इसके बाद क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, सिंपल ये आपका है 17th पार्ट है, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन क्या भाई, देखो दिस इज क्लोरोइथेन CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन हो गया ये, हमें क्या बनाना है ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या भाई CH3CH2CH2, तो सिंपल दो कार्बन यहाँ पर, वहाँ चार करना है। अगर एल्केन में हमें डबल करना है तो हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, ऊर्ज रिएक्शन, क्या होता है भाई, सोडियम एंड ड्राई ईथर, सोडियम एंड ड्राई ईथर कन्वर्जन बेटे आपको ऐसे करना है इस हिसाब से। अब 18th पार्ट देखिए, 18th पार्ट देखो बेटे, 18th पार्ट में क्या करना हमें, बेंजीन टू डाइफिनाइल, देखो ये बेंजीन हो गया ये, हमें क्या बनाना है बेंजीन से डाइफिनाइल,
डाइफिनाइल बोलो चाहे बाइफिनाइल बोलिए, देखो ये हमारा डाइफिनाइल है, ये दिस इज डाइफिनाइल। बेंजीन से क्या बनाना है हमें, डाइफिनाइल। क्लियर है? तो देखो हम यहाँ यूज करते हैं रिएक्शन, यहाँ यूज करेंगे फिटिंग रिएक्शन, लेकिन उसके पहले हमें इसको किस में चेंज करना है, क्लोरोबेंजीन में। ये क्लोरोबेंजीन बन गया बेटे, क्लोरो में, ब्रोमो में, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, यहाँ पर इसमें यूज करोगे आप सोडियम और ड्राईथर। यहाँ बन गया सोडियम एंड सॉरी यहाँ यूज करोगे आप हेलोजिनेशन करोगे यहाँ पर Cl2 और FeCl3 या AlCl3। कभी भी अगर हमें हेलोजन कहाँ पे पहले किया आना है, SP3 SP2 पर, तो हम यूज़ करते हैं लुईस एसिड। अगर SP3 पर सनलाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर यूज़ कर दोगे आप सोडियम और ड्राई ईथर, ये बन गया आपका क्या, फिटिक रिएक्शन है ये ड्राई। देखो ये है, ये कौन सी रिएक्शन है, WURTZ, दिस इज उर्ज रिएक्शन। और ये क्या आपका बेटे, आपका दिस इज फिटिक रिएक्शन, FITTIG, दिस इज फिटिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। यहाँ हम हेलो एल्केन को एल्केन में चेंज करते हैं, यहाँ पर हेलो बेंजीन को हम डाइफिनाइल में चेंज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आइए इसके बाद। देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में इस बार। क्या पूछा गया, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। पहले स्ट्रक्चर ड्रा करो बच्चे, फॉर इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3C CH3। जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है वो तीन के साथ अटैच है, 3 डिग्री हो गया, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो भी आपको बताया हूँ, आइसो में क्या करेंगे, CH3 CH CH3। देखो क्या हो गया, दिस इज आइसो ब्यूटाइल, हम लगा देंगे यहाँ पर क्या, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। लॉजिक वही है, बस सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, एक ही लॉजिक है, Br हटाना है, एल्कोहलिक KOH। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पहले एल्कोहलिक KOH, तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गया, CH3। फिर क्या यूज करोगे यहाँ पर, HBr एंड परऑक्साइड, ये बन गया आपका एंटी मार्कोनिका फ्लूल, ये हो गया इलिमिनेशन, वो एंटी मार्कोनिका फ्लूल आ गया ये। देखो फिर इसके बाद 21st क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 21st सॉरी 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन देखिए, 20th क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये एनिलीन है, हमें बनाना फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है बेटे, NC, दिस इज आइसोसाइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड। हम एक रिएक्शन यूज करते हैं यहाँ पर, उसका नाम है CARBYL, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। देखो जितने भी प्राइमरी एमाइन है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर प्राइमरी एमाइन है तो दैट प्राइमरी एमाइन कंबाइन विद NaOH एंड क्लोरोफॉर्म, NaOH प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। तो एनिलीन से क्या बन गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है बेटे? देखो दिस इज काबिल एमाइन रिएक्शन, ये पढ़ोगे आप ऐसे 4th चैप्टर में, हालांकि यहाँ भी इसी का पार्ट है, बाई कीपिंग क्लोरोफॉर्म इन टू माइंड, ठीक है, बाई कीपिंग क्लोरोफॉर्म इन टू माइंड इसका दिया गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये हो गया आपका 20th, ये आपका कन्वर्जन था। आपको और करवाए जाएंगे, इनको बार बार देखिए, और बिना ये पूरा चैप्टर 10th और 11th रिवाइज किए आप 12th चैप्टर में 30 में को प्रॉब्लम आएगी, तो बेटर है उधर पहुंचने से पहले कि एक बार आप क्या करो, रिवाइज कर लो, ठीक है। चलिए।